हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल 12 सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, दैट इज एरीज सन साइन। हिंदी में हम इसे मेष राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए आज कार्ड क्या रहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है वर्ल्ड का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो दिखाता है प्रोग्रेस, जो दिखाता है चेंज और जो दिखाता है न्याय। अगर इन तीनों सेक्टर में आप कुछ भी वेट कर रहे थे वो आपका होने वाला है। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट सन साइन की, दैट इज टॉरस सन साइन। हिंदी में इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। टॉरस, आप लोगों के लिए आज के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड द अदर कार्ड फॉर यू इज एम्प्रेस। अगेन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, बिकॉज किंग के साथ एम्प्रेस की एनर्जी है। सो इट कैन ऑल्सो मीन कि जो आपकी फीमेल काउंटर पार्ट हैं वो आपसे कई ज़्यादा यू नो क्वालिटीज हो सकती है उनके अंदर, कई ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकती हैं। वाइल यू आर एट द प्लेस ऑफ द किंग बट वहाँ पर एम्प्रेस हैं, तो एक ये जो ब्यूटिफुल बैलेंस है ना वो बहुत अच्छी तरह यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। ऑल यू नीड टू डू इज टू यू नो सपोर्ट ईच अदर। आप लोगों को दोनों की अच्छी बातें क्वालिटीज को देखना होगा एंड देन आई थिंक देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू गाइस। अब बात करेंगे जेमिनी सन साइन वालों की, यानी मिथुन राशि वालों की, और देखते हैं आप लोगों के लिए आज की क्या एनर्जी है। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो आपके लिए है वो है सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। सिक्स ऑफ वॉन्स ये दिखाता है कि आप जिस पाथ पे चल पड़े हैं सक्सेस गारंटीड है। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है बट आपको इसी जील से आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस सक्सेस की जर्नी में जो आप चल पड़े हैं ना, आपको ये बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी वजह से कहीं दूसरों का दिल तो नहीं दुख रहा, अपनों का दिल तो नहीं दुख रहा। उसका खास ख्याल रखिए, स्पेशली अपने घर वालों का। एंड अप नेक्स्ट इज कैंसर सन साइन। हिंदी में इसको मकर राशि बोलते हैं। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपके लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड द अदर कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी क्वीन को पाने की इच्छा में है शायद आप, या हो सकता है कि आपने किसी एक ऐसी चीज पे नजरें डाली हुई हैं जो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस आपके लिए है, या आप बहुत टाइम से उस चीज को पाना चाहते थे बट आप बार बार कुछ ऐसी चीज सोच रहे हैं, पास में जा रहे हैं और आपको अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो रहा है। तो वो जोन से आपको निकलना पड़ेगा बिकॉज वहां पर दूसरी तरफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, द प्रॉब्लम इज जस्ट विद योर थिंकिंग। सो ट्राई टू चेंज दैट थिंकिंग पैटर्न ऑफ योर सेल्फ एंड you will get that thing that you are looking for. Up next is Leo sun sign और हिंदी में हम इसे सिंह राशि भी बोलते हैं। तो लियोज, आप लोगों के लिए आज की क्या एनर्जी है, कार्ड क्या बोल रहे हैं आज के लिए, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आता है आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। थोड़ा दुखी फील कर रहे हो सकते हैं आज आप, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया आपके लिए और यहाँ से अब आगे बढ़ना चाहिए, निकलना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो अगर ऐसी फीलिंग आ गई है तो आपके लिए अच्छा इंडिकेशन है कि अगर ऐसी फीलिंग आ गई है बिल्कुल मूव ऑन करिए, बिल्कुल आगे बढ़िए, बिकॉज अब जो चीज़ ख़त्म हो रही है या ख़त्म होने वाली है और आपको पता लग गया है तो उसको चैप्टर को ख़त्म करिए और बिल्कुल एक नए चैप्टर की शुरुआत करिए। एंड अप नेक्स्ट इज वर्गो सन साइन। हिंदी में इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। तो वर्गोज, आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, चलिए देखें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड द अदर कार्ड फॉर यू इज टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन दैट यू माइट फेस इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंसेस, ठीक है। कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्लान कर रहे हैं बट सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने सेंसिबल हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप वो डिसीजन, वो कॉल बिना ओवरथिंकिंग के ले सकते हैं। तो अपने मन की सुनिए और जो आपको सही लगता है वो करिए, डिले मत करिए, डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ ओवरथिंकिंग कि वो अपॉर्चुनिटी ही आपके हाथ से निकल जाए। और अब बारी आती है लिब्रा सन साइन की और हिंदी में हम इसे तुला राशि भी बोलते हैं। सो लिब्रंस, आप लोगों के लिए आज ये दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड की एनर्जी है, यानी बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत एक्टिव एनर्जी है और आप अपने आप को ऐसा महसूस भी करेंगे आज कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज आप यू नो टू डू लिस्ट तैयार है, सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ भी पेंडिंग था आज कंप्लीट करने का मन करेगा। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करें आज, कोई लाइफ में ऐसा इवेंट आज हो सकता है जो बहुत नया हो और बहुत ज़्यादा वो आपके कर्म की दिशा को चेंज करेगा।
एंड अप नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो सन साइन यानी वृश्चिक राशि, और देखते हैं स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्प्रेड अपने कार्ड्स को। पहला कार्ड आपके लिए जस्टिस का आया है और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। अगर आप का कोई भी ऐसा लिटिगेशन, कोर्ट केस और एनीथिंग लाइक दैट इज पेंडिंग या कुछ ऐसा चल रहा है जिसका नतीजा आना है, न्याय मिलना है, तो वो आपको मिलेगा, वो चीज़ आपके फेवर में रहेगी। और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स जब जस्टिस के साथ है ना, सो दैट एनर्जी विल मेक श्योर दैट यू गेट व्हाट यू डिज़र्व, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट सन साइन की, दैट इज सजिटेरियस सन साइन, हिंदी में इसको हम धनुराशि भी बोलते हैं। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए आज की क्या एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड द अदर कार्ड फॉर यू इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि करियर, बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बट मेहनत के हिसाब से आपको उसका नतीजा नहीं मिला, उसका रिजल्ट नहीं मिला, और यही आपकी चिंता का कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको इतना लोड नहीं लेना है, आपको जैसे काम कर रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही करते रहिए, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है बहुत जल्द आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, बिकॉज दैट इज विजिबल इन द कार्ड्स। एंड अप नेक्स्ट इज केप्रिकॉन सन साइन, और हिंदी में हम इसे मकर राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं केप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है एट ऑफ कप्स का, और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलिए। There is a lot of toxicity जो आप already feel कर रहे हैं, तो उस situation से आप अपने आप को जितनी जल्दी distract कर सकें, बाहर निकाल सकें, आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा life में मेहनत आपकी जारी रहेगी, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है और करते रहना है। और अब बारी आती है हमारे अगले सन साइन की, जो है एक्वेरियस सन साइन, और हम हिंदी में इसे कुंभ राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियंस आप लोगों के लिए आज कैसा दिन रहने वाला है। पहला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर, और फोर ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आपको ना सब कुछ जो भी आपने चाहा था ना वो आपके लिए प्लेटर पे लग जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है एक बहुत अच्छी महादशा भी आपकी शुरू हुई हो, ये भी इंडिकेटेड है आपको, लेकिन एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के कंट्रोल करके ही उसको करिएगा। और इसी के साथ आ गए हम हमारे लास्ट सन साइन में, दैट इज पाइसी सन साइन, हिंदी में हम इसको मीन राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसेंस आप लोगों के लिए आज की कैसी एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड आया है और साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स है। इमोशनल मैटर्स में, दिल के मामलों में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सॉल्व होने के लिए। आप जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करिए, इमोशंस को ब्लॉक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यू नीड टू बी रियली रियली ओपन अगर आपको कुछ भी रिलेशनशिप रिलेटेड सॉर्ट करना है अपनी लाइफ में। तो बाकी एरियाज में भी थोड़ा स्लोनेस है, बट वो आई थिंक दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट ट्रांजिट। वो आपके लिए जल्द ही, जैसे ही प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज होगा, आपको चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे या मूवमेंट दिखाई देने लग जाएगी। तो इसी के साथ इस शो को हम पूरा करेंगे। कल मैं फिर से मिलूंगी आपको विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।